कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी टीचर सुरेखा सिंह। आज मैं आपको कक्षा 9वीं के पहले यूनिट से पहला चैप्टर पढ़ाऊंगी, परंतु उससे पहले मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के विषय में जाकर कुछ बता दूं। आपके समस्त पाठ्य पुस्तक को थीम पर आधारित किया गया है। आपके पूरे पाठ्य पुस्तक जो इसके हिंदी के विषय वस्तु जो है उसको 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जिस तरह आप देख सकते हैं हर यूनिट की अपनी विशेषता है। जैसे यूनिट फर्स्ट आप जो देख रहे हैं वो प्रेरक प्रसंग है। प्रेरक प्रसंग से तात्पर्य है, इसका अर्थ होता है कि ऐसे प्रसंग या ऐसी रचनाएं जो आपको मोटिवेट करती हैं, आपको प्रेरणा देती हैं। इस यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं। दूसरा जो यूनिट है आप देख रहे हैं, दूसरा यूनिट जो है वो स्थानीय परिवेश, कला और संस्कृति से संबंधित है। इस यूनिट में आपको अपनी कल्चर, अपनी कला और आपके जो स्थानीय लोक भाषा है उस पर आधारित आपको रचनाएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद इस यूनिट में भी आपको 3 चैप्टर्स हैं। फिर थर्ड यूनिट जो है वो समसामयिक मुद्दे से संबंधित है। समसामयिक मुद्दे वे मुद्दे होते हैं जो वर्तमान में हमारे सामने मौजूद हैं। इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी मुद्दे होते हैं वे सब इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। इस यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं। चौथा जो यूनिट है छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य, ये जो यूनिट है ये हमारी स्पेशली हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा और उसके साहित्य पर आधारित है। पांचवा यूनिट जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, पांचवा यूनिट पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित है। इसमें जो रचनाएं हैं वो प्रकृति पर और पर्यावरण से संबंधित है। आप जानते हैं कि अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने पर्यावरण से ही संबंधित है, तो ये जो यूनिट है वो आपको आपके पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित आपको मिलेंगी इसमें। 6 जो यूनिट है वो विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर है। इसमें आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित रचनाएं हैं, इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। सातवां जो यूनिट है आपका वो आपको विविध है। विविध का अर्थ होता है ढेर सारे, जिसमें ढेर सारी वैरायटी होती है। तो ये आपको किसी खास विषय से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें अनेक प्रकार की रचनाएं इसके अंतर्गत आते हैं। तो अभी आपने अपने पाठ्यपुस्तक के विषय में जाना कि किस प्रकार आपके पाठ्यपुस्तक की रचना की गई है। अब आइए हम पहला यूनिट जो है आपका प्रेरक प्रसंग, उससे पहला चैप्टर जो है उसको लेते हैं। चैप्टर का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। यह एक पद्य है, कविता जिसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य में, एक पद्य विधा है। इसके जो राइटर है, जो रचनाकार है, कवि है, वो है श्री गोपाल दास नीरज। गोपाल दास नीरज के विषय में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले गोपाल दास नीरज के विषय में कुछ बताना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी हम इनके बारे में संक्षिप्त में जान देते हैं। भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण से विभूषित कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज जी का पूरा नाम गोपाल दास सक्सेना था, नीरज इनका उपनाम है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था 4 जनवरी 1925 को। गोपाल दास नीरज जी जितने अच्छे कवि थे उतने अच्छे ही गीतकार भी थे। इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं, जैसे कारवा गुजर गया, प्राण गीत, आशावरी, विभावरी इत्यादि। इन्होंने फिल्मों में भी बहुत प्रसिद्ध गीत लिखे हैं, जिससे कि बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो आप लोगों ने भी सुने होंगे, जैसे कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे, फिर बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, इस पर एक गीत। और एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म था मेरा नाम जोकर, उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध गाना था, आप लोगों ने भी सुना होगा उस गीत को। गीत था ए भाई जरा देख के चलो, ये उन्हीं की लिखी हुई रचना थी, एक गीत था उन्हीं की लिखी हुई गीत है। और उन्हें अपने फिल्मों में गीत लिखने के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। फिर गोपाल दास नीरज जी की मृत्यु जो है वो 19 जुलाई 2018 को हुई थी। गोपाल दास नीरज जी के विषय में यह माना जाता है कि जितने अच्छे रचनाकार थे उतने ही अच्छे प्रस्तुतकर्ता भी थे। जब वो मंच पर अपनी प्रस्तुति देते थे तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उनकी प्रस्तुति को सुना करते थे। और गोपाल दास नीरज जी का जन्म शुरू से ही बहुत संघर्ष में रहा था, बहुत कम समय में वे अकेले हुए थे और अपनी आजीविका के लिए बहुत संघर्ष किया, तो उनके वो संघर्ष जो है वो उनके कविताओं में भी, उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलती है। आइए अब हम अपनी कविता पर आज चलते हैं, जो वो है जीवन नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है,
कविता में गोपालदास नीरज जी ने उन लोगों को संबोधित करते हुए लिखा या उनको प्रेरित करने के लिए लिखा है जो लोग जीवन में थोड़ी सी असफलता से निराश हो जाते हैं और हार मान जाते हैं। गोपालदास नीरज जी इस कविता के माध्यम से उन लोगों को प्रेरित करते हुए ये कहते हैं कि क्या आज अगर आप असफल हो जाते हैं, अगर आज आपका एक प्रयास असफल हो जाता है तो क्या आप फिर सफल नहीं होंगे, आपको फिर सफलता नहीं मिलेगी? तो अगर सफलता फिर मिल सकती है तो आप हार क्यों मान लेते हैं? तो इस कविता की रचना के पीछे उनका यही उद्देश्य है कि जो लोग अपने जीवन के में होने वाली असफलताओं से हार जाते हैं उन्हें वो प्रेरित करते हुए कहते हैं कि कोई भी असफलता इतनी बड़ी नहीं होती कि वो जीवन उसके आगे समाप्त हो जाए। तो इसलिए हमें हमेशा हार नहीं मानना चाहिए बल्कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो आइए हम कविता की ओर चलते हैं, देखते हैं कविता। जीवन नहीं मरा करता है, कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कविता की पंक्तियां देखिए, जिसमें कवि नीरज ने कि जो लोग अपने जीवन की असफलताओं से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि थोड़ी सी असफलताओं से हार कर आंसू बहाने वालों, अश्रु का अर्थ होता है यहाँ पर, देखिए अंडरलाइन कर लीजिएगा या देख लीजिए इसे, अश्रु का अर्थ होता है आंसू, व्यर्थ का अर्थ होता है अनावश्यक, जिसका कोई भी आवश्यकता ना हो अनावश्यक, उसे हम कहते हैं व्यर्थ। तो इन कविता की पंक्तियों में कवि नीरज कहते हैं कि थोड़ी सी असफलताओं से निराश होकर आंसू बहाने वालों, रोने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, अब यहाँ पर देखिए कवि नीरज ने आंसू को मोती की उपमा दी है, कहते हैं कि ये जो आंसू है वो अनमोल मोती के समान है, उन्हें व्यर्थ क्यों लुटा रहे हो? तो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। वे कहते हैं कि यदि कुछ सपने आपके टूट जाते हैं या कुछ सपने आपके पूरे नहीं होते तो उससे जीवन नहीं खत्म होता है, जीवन नहीं मरा करता है। आगे की पंक्तियां देखिए, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। अब इन पंक्तियों को देखिए कवि नीरज ने कितनी सुंदर और भावात्मक प्रस्तुति इसमें दी है। उन्होंने क्या कहा है, सपना क्या है, आपके जो सपने हैं, स्वप्न है वो क्या है, नयन सेज इसमें याद रखिएगा, नयन सेज, नयन मतलब होता है आंख और सेज का मतलब होता है शैया या बिस्तर, और कवि ने यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया है और जो नया आंख को एक बिस्तर के रूप में यहाँ पर बिस्तर की उपमा दी है या बिस्तर के रूप में निरूपित किया है। तो कहते हैं इस कवि कि जिस तरह आंखों में जो आंसू होते हैं, जो आंखों का पानी होता है, वो आंखों में हमेशा रहता है, मौजूद सोए हुए रहता है, हमेशा मौजूद रहता है, उसी तरह सपना क्या है, सपना भी हमेशा आंखों में सजा हुआ रहता है, एक सपना अगर टूट जाए तो क्या, दूसरा सपना फिर तैयार हो जाता है। तो कहते हैं कि सपना क्या है, वो तो नयन सेज पर आंख सोए हुए आंख के पानी के समान है, जैसे आंसू की एक बूंद गिर जाती है और फिर उसके बाद दूसरे, फिर उसमें आंखों में आंसू आ जाते हैं, फिर पानी आ जाता है, तो उसी तरह सपना भी क्या है, यदि एक सपना टूट जाता है तो उसके बाद फिर दूसरा सपना तैयार हो जाता है, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। और कहते हैं कि उस सपने का टूटना क्या है, उस सपने का टूटना ऐसा है मानो जवानी की नींद टूट गई हो। अब यहाँ पे जवानी की नींद से क्या मतलब है, तो जवानी की नींद के बारे में कहा जाता है कि जवानी की नींद जो है बड़ी ही बदनाम होती है, जैसे अगर हमको कोई कच्चे नींद से जगा भी देता है तो हमें फिर तुरंत नींद आ जाती है, जबकि बचपन में और बुढ़ापे में क्या होता है, बच्चों को अगर जगा दिया जाए तो उन्हें फिर नींद नहीं आती, और बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर कच्ची नींद से जाग जाते हैं तो उन्हें फिर नींद नहीं आती। लेकिन जवानी का नींद क्या होता है, अगर कोई जगा देता है नींद टूट भी जाती है लेकिन उसके बाद फिर लग जाती है। तो उसी तरह कहते हैं कि सपना क्या है, सपने का टूटना तो उसी प्रकार जिस तरह जवानी की कच्ची नींद होती है, अभी टूटी अभी फिर लग गई, तो सपना भी क्या है, आज टूटा कल दूसरे सपने तैयार हो गए, तो सपना जो है जवानी की नींद की तरह ही होती है। आगे की पंक्तियां, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों पंक्तियों में कवि कहते हैं उन लोगों को यहाँ पर कह रहे हैं जो एक असफलता से, एक थोड़ी सी असफलता से हार मानकर रोते रहते हैं। तो कहते हैं कि उम्र भर रोने वालों, एक असफलता से उम्र भर रोने वालों, और डूबे बिना नहाने वालों यानी बिना संघर्ष के ही हार मान लेने वालों,
कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। यदि कुछ पानी बह जाता है तो क्या सावन खत्म हो जाता है? नहीं, सावन फिर आता है, बरसात फिर होती है। तो उसी तरह कहते हैं कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। आज की वीडियो इतनी, इस वीडियो में बस हम यहीं तक की पंक्तियों को समझेंगे, यहीं तक के अध्ययन करेंगे, इतनी पंक्तियों के अर्थ को समझेंगे। आगे की पंक्तियां और आगे की कविता हम अगले वीडियो में फिर देखेंगे। इसमें इस कविता से, इन पंक्तियों से संबंधित, इस पाठ से संबंधित यदि कोई आपको समस्या होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और आगे आप इस कविता को रीड कीजिएगा और फिर हमें कुछ अगर समस्या हो तो हमसे बात कीजिएगा।